हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ टीवीएस रेडो 125 2023 का मॉडल है। कुछ ब्राइटनेस ज़्यादा ही होगी, अब थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ टीवीएस रेडो 125 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा और एक छोटा सा लास्ट में रिव्यू दूंगा और ये बताऊंगा इसमें क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं। तो चलो फिर फटाफट वीडियो शुरू। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करने पे कुछ ऐसा सा बढ़िया सा एनिमेशन आ जाता है। यहाँ पे हाई लिखा हुआ आ जाता है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टीवीएस का लोगो आ जाता है जो ग्लो अप करता है और नाइट में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। ब्राइटनेस इसमें एडजस्टेबल नहीं है, जो है वही ब्राइटनेस रहती है डे में भी और नाइट में भी। बात करूं मैं आरपीएम की तो यहाँ पे 12,000 आरपीएम आपको मैक्स टू मैक्स मिल जाता है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी जो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो मोड और सेट, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा मोड और सेट के बारे में। बस मैं आपको अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे रेंज आ गई है, यहाँ पे एवरेज आ जाता है, मतलब इसमें आपको चार मोड्स मिल जाते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी और रेंज। रेंज अभी टैंक फुल है इसलिए रेंज इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम होती है। ये सिर्फ ये टीवीएस रेडर में नहीं, सभी टीवीएस रेडर में यही सिस्टम है कि अगर टैंक फुल रहता है, मतलब पूरी तरीके से ओवरलोड हो चुका है ये टैंक, उसी की वजह से सेंसर को रेंज कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे रेंज के बाद मिल जाता है एवरेज कितना माइलेज ये दे रही है, 40 किलोमीटर पर लीटर अभी बता रही है क्योंकि बाइक अभी स्टैंड बाय पे है। और बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे इंजन चेक लाइट आ जाती है और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ओडोमीटर आ जाता है। टोटल चल चुके हैं 209 किलोमीटर्स। अगर आप मैं बाइक ऑफ करके वापस ऑन करूँ, बाइक में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल शो करता है और यहाँ पे सर्विस के लिए शो करता है। यहाँ पे आ जाता है बैटरी का इंडिकेशन मिल जाता है आपको, साइड स्टैंड इंडिकेशन जो हटाने पर हट जाता है लगाने पे लग जाता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट में और राइट में इंडिकेटर्स के लिए इंडिकेशन आ जाता है। इंडिकेटर के ठीक बाजू में आपको हाई बीम और लो बीम का इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज का इंडिकेशन मिल जाता है और यहाँ पे आपको लो फ्यूल इंडिकेशन भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं, इको मोड और यहाँ पे पावर मोड जो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बीच में मिल जाता है न्यूट्रल का इंडिकेशन। यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट का इंडिकेशन भी मिल जाता है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टोटल 5 गियर्स आ जाते हैं यहाँ पे। एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी इसमें वो है गियर का इंडिकेशन असिस्ट करता है आपको कि अगर आपको अपर गियर लगाना चाहिए अभी या लोअर गियर लगाना चाहिए, आपको अपर या लोअर गियर लगाना चाहिए उसका इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाता है। दोनों ही तरफ ऊपर और नीचे एरो आ जाता है ठीक गियर के इंडिकेशन के बाजू। ये तो बात होगी गियर शिफ्टर्स की, उसी के ठीक बाजू में आपको मिल जाती है क्लॉक जो आपको टाइम शो करती है। और इस क्लॉक को सेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और क्लॉक के ठीक बाजू में जैसे मैं बाइक को ऑफ करके वापस ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेलमेट का इंडिकेशन आ जाता है। बाइक चलाने से पहले आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, ड्राई सेफ बी सेफ। तो ये तो होगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात। अब बात करता हूँ ये दोनों बटन्स की। बटन्स की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक ठाक क्वालिटी के यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे वन क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे हो जाता है रेंज और ये एवरेज टोटल सेट हो जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये वाला पार्ट चेंज करना है तो यहाँ से ही होगा, वो वन क्लिक से हो जाता है आपको ट्रिप ए ट्रिप बी, ट्रिप सी नहीं मिलती, यहाँ पे रेंज और एवरेज मिल जाता है जो सब यहाँ से ही चेंज होता है। सपोज कि मुझे ट्रिप बी जीरो करनी है तो मुझे एक बार यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मोड पे, फिर ट्रिप बी जीरो करने के लिए मुझे सेट को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और लॉन्ग प्रेस करते ही ये हो गई ट्रिप बी अपनी जीरो। तो ये रेंज का तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पेट्रोल इतना ज़्यादा फुल है बाइक में इसलिए ये जो सेंसर है वो सेंस नहीं कर पा रहा है कि बाइक कितने किलोमीटर और चल सकती है। तो ये सब तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर बात करूँ मैं स्पीडोमीटर की तो यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा इसको तो भी देखना यहाँ पे आ गया है 26 किलोमीटर पर आर की एवरेज स्पीड में मेंटेन कर रहा हूँ। और इसको अगर मैं और लॉन्ग प्रेस करूँ तो यहाँ पे आ जाता है इसकी टॉप स्पीड। ये बाइक गई है 63 किलोमीटर आर की टॉप स्पीड तक और यहाँ पे ये टॉप स्पीड शो कर दिया। और इसको अगर थोड़ा सा और लॉन्ग प्रेस रखूँ तो ये आ जाता है आपका क्लॉक सेट करने के लिए। अब मैं बता देता हूँ आपको क्लॉक सेट कैसे होती है। सेट करने के लिए आपको यहाँ पे ये सेट वाला ऊपर वाला जो बटन है वो प्रेस करना है। यहाँ पे एक बार प्रेस किया ये 46 है। यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे तो ऑलमोस्ट हो चुका है 12:50, यहाँ पे बता रहा है 146, टाइम थोड़ा सा गलत है तो सेट कर लेते हैं इसको। सेट करने के लिए ये प्रेस किया यहाँ पे और ये चेंज करने के लिए आप मोड से चेंज कर सकते हो, ये 51-52 कर देते हैं इसको। सेट वाले बटन को अगर मैं एक और बार प्रेस करूँगा तो ये एम पी एम पे आ जाएगा। अभी पी एम हो चुके हैं तो पी एम सेट करने के लिए हम मोड पर क्लिक करेंगे। मतलब जो भी आपको अगर सेट करना है तो आपको सेट पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर चेंज करना है आपको ऊपर नीचे, मतलब ए एम से पी एम करना है या टाइम चेंज करना है तो उसके लिए आपको मोड पे क्लिक करना पड़ेगा। अब हम करते हैं मेन आवर्स का टाइम चेंज, ये सेट पे क्लिक किया एक और बार, अभी मोड पे क्लिक करके आर का टाइम चेंज करते हैं। अभी हो चुके हैं ऑलमोस्ट 12:50, ये हो चुका है टाइम सेट। और फाइनली जब आप इस पे मोड पे प्रेस करके रखोगे तो ये आपका टाइम सेट हो जाएगा। अब बाइक को बंद करके वापस स्टार्ट करोगे तो भी आपका वो सेट हो जाएगा, लेकिन बेटर है जो फीचर दिया वो यूज़ करें, उसी तरीके से उसको यूज़ करें। तो अगर मैं बाइक को ऑफ करके वापस ऑन करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए का इंडिकेशन आ जाता है। तो ए का मतलब क्या होता है,
तो एक मतलब ये है कि ये टीवीएस की तरफ से आने वाली इंटेलिगो टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा हीरो या होंडा में आती है, या स्मार्ट स्प्लेंडर वो सब में आती है ये टेक्नोलॉजी, कि इसमें कैसा होता है कि जब आप बाइक आपने रन की, अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो, तो यहाँ पे बाइक अपने आप बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली फ्यूल सेव करने के लिए। फिर जैसे ही आप उसमें क्लच दबाते हो, जो हीरो और होंडा की बाइक आती है उसमें बता रहा हूँ, क्लच दबाते हो तो अपने आप बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्लच दबाने वाला सिस्टम नहीं है, इसमें सिस्टम है रेस देने वाला। जैसे ही आप रेस दोगे बाइक स्टार्ट हो जाएगी वापस। अगर मैं इसमें कमी की बात करूँ तो यार मुझे एक कमी लगती है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी छोटी मोटी रहनी चाहिए थी, जिससे यहाँ पे नोटिफिकेशन या इंडिकेशन आ जाता, कुछ कॉल वॉल आए या फिर कुछ भी छोटा मोटा डिस्प्ले सेट करना रहे तो उसके लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी। और अगर आपको TFT डिस्प्ले, मतलब जो इसका टॉप मॉडल में आता है, उसका अगर डिटेल रिव्यू चाहिए और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।